के 85% तक ही लोग इस कानून के पक्ष में खड़े हैं। ये बिल्कुल झूठी और फेक रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट जनता की है, तो उस रिपोर्ट के बच्चे कहने की कोशिश की है कि 85% तो वध लोग इन्हों कानून के हक से कानून के पक्ष खड़े से। कि ये कमेटी क्या करने वाली है, जो रिपोर्ट आई है एसकेएम को उसी दिन पता था कि रिपोर्ट ऐसी ही आएगी, क्योंकि इस कमेटी के जो सदस्य लिए गए थे, जो मेंबर साहबान लिए गए थे, वो वही लोग थे जो गैट के अब WTO के पक्ष में भुगतते रहे हैं। इन कानूनों को जिन लोगों ने अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से बहुत वाजब और जायज ठहराने का पहले से ही प्रयास कर रखा था, वही लोग थे इस कमेटी के मेंबर। तो उनसे कैसी उम्मीद की जा सकती थी कि ये लोग आपके पक्ष में रिपोर्ट देंगे। आपने ये भी सुना होगा ग्राउंड पे क्या था उन संगठनों का, केवल बीजेपी के, केवल सरकार के वो फेक संगठन, कोई इधर से कोई उधर से पकड़े हुए लोग थे। ये सरकार तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे देश का किसान इनके खिलाफ था और आज भी है। वो जो इन्होंने फेक रिपोर्ट बनवाकर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की है, उन लोगों का पहले से पता था कि वो ऐसा करने वाले हैं। किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दिन ही आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट जनता की है, तो उस रिपोर्ट के बच्चे कहने की कोशिश की है कि 85% तो वध लोग इन्हों कानून के हक से कानून के पक्ष खड़े से। और इनू तुसी याद करो, मैं तुहाडे याद दिलानी चाहना गल यह कि भाईओ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो कमेटी है जिस समय ये कमेटी बन रही थी, एस कैम ने उसी दिन इस कमेटी को रिजेक्ट कर दिया था कि हमें इस कमेटी से कोई उम्मीद नहीं है। पागल नहीं था एसकेएम, एसकेएम को उसी दिन पता था कि ये कमेटी क्या करने वाली है। जो रिपोर्ट आई है एसकेएम को उसी दिन पता था कि रिपोर्ट ऐसी ही आएगी। क्यों? क्योंकि इस कमेटी के जो सदस्य लिए गए थे, जो मेंबर साहबान लिए गए थे, वो वही लोग थे जो गैट के अब WTO के पक्ष में भुगतते रहे हैं। इन कानूनों को जिन लोगों ने अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से बहुत वाजब और जायज ठहराने का पहले से ही प्रयास कर रखा था, वही लोग थे इस कमेटी के मेंबर। तो उनसे कैसी उम्मीद की जा सकती थी कि ये लोग आपके पक्ष में रिपोर्ट देंगे। आपने ये भी सुना होगा आंदोलन के चलते खबरें आती थी, आज नरेंद्र तोमर जी को 60 संगठन मिले, किसानों के 60 संगठन मिले जिन्होंने ये कहा कि इन कानूनों को तुरंत लागू किया जाए। लेकिन वो जो संगठन थे वो कहां थे, ग्राउंड पे क्या था उन संगठनों का, केवल बीजेपी के, केवल सरकार के वो फेक संगठन, कोई इधर से कोई उधर से पकड़े हुए लोग थे जो संगठन का रूप धारण करके वहां पे इनके पास बैठते थे, उनके सदस्य, उनके अध्यक्ष बनकर बैठते थे। और वही लोग ऐसी ऐसी मतलब जाकर वहां एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए पूरे देश के किसान तो इन कानूनों के पक्ष में है। ये सरकार तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती रही है, ये हमने सबने देखा है। और आज जो रिपोर्ट आई है, पूरे देश में किसानों ने इन लोगों को सबक सिखा दिया। आंदोलन समाप्त होने, आंदोलन सस्पेंड होने से थोड़ा समय पहले जो पूरे देश के 29 सीटों पे इलेक्शन हुए थे, वहां पे बीजेपी को बुरी तरह हराया लोगों ने।
और वो जो हुआ था वो बीजेपी ने एक टेस्ट करके देखा था कि जैसी एक रिपोर्ट आई थी कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता 60% से कम होकर 20-22% पर आ गई है, तो उसके लिए उन्होंने टेस्ट करना चाहा था कि ये रिपोर्ट ठीक है या गलत है। वहां पे जो इलेक्शन हुए उन इलेक्शनों में इन लोगों ने धांधली करने का प्रयास नहीं किया, वो ईमानदारी से इलेक्शन हुए तो वो 29 सीटों में से केवल 4-5 सीटें बीजेपी को आई थी, बाकी सब की सब सीटें इनके खिलाफ गई थी। उससे इन्होंने लोगों को सबक मिला था कि भाई लोग हमारे खिलाफ हो चुके, लोग अब भी खिलाफ हैं, देश अब जो ये मतलब कुछ स्टेटों में इलेक्शन जीतने की का दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो बात में सच्चाई कहीं पे नहीं है। वो हम जानते हैं कि किस तरीके से आज पूरे देश के अंदर ये आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रही है, कहीं से यह कहा जा रहा है कि वहां पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो अध्यापक था उसको कैसे धमकाया गया और ये कहा गया कि इस मशीन को चेंज करो, मशीन को बदलो। और आपने ये भी देखा होगा कैसे मशीनों के बड़े बड़े ट्रक भरे हुए पकड़े गए हैं, तो वो सब जो दिख रहा है वो इनका षड्यंत्र नजर आ रहा है, जीतने की कोई बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये वो जीते वो हारे वो अलग बात है, मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे देश का किसान इनके खिलाफ था और आज भी है, आज भी है। इसके लिए वो जो इन्होंने फेक रिपोर्ट बनवाकर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की है, उन लोगों का पहले से पता था कि वो ऐसा करने वाले हैं, इसके लिए एसकेएम ने पहले दिन से ही उसको रिजेक्ट कर दिया था और क्लियर और स्पष्ट ये कह दिया था कि हम कहीं पे भी कोई इनको ऐसा अपना बयान नोट नहीं करवाएंगे, ना हमें इनके ऊपर विश्वास है, ना ये ईमानदारी से काम होगा। वही आज आपके सामने है, वही कुछ हुआ है। सो ये जो बातें मैंने कही है कि 29 में से 5 सीटें जीते बाकी सब हार गए, ये सिर्फ हमारा कहने का मतलब इतना ही था कि वहां से दिख गया था और अब भी नजर आ रहा है कि लोग इनके खिलाफ थे, इन कानूनों के पक्ष में नहीं थे, कानूनों के खिलाफ खड़े थे, इसी वजह से वो 29 में से केवल 5 सीटें ही बीजेपी को मिल सकी थी, बाकी सब सीटें बीजेपी हारी। और ऐसी ऐसी आपको देखी होगी आपने रिपोर्ट उस समय की कि बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पे बीजेपी की जमानत जब्त हुई है, वो है सच्ची कहानी, वो है असलियत। इसके लिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पूरे देश का किसान इसके खिलाफ था। और कहां से निकाल ली इन्होंने ये बात कि 85% तक ही लोग इस कानून के पक्ष में खड़े हैं, ये बिल्कुल झूठी और फेक रिपोर्ट है। मैं ये कहूंगा कि हमारे माननीय मानयोग सुप्रीम कोर्ट को अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को इंटरफियर करने से रोकना चाहिए, ताकि मान मर्यादा सत्कार हमारी सुप्रीम कोर्ट का लोगों के अंदर बना रहे। और मैं फिर से ये कहता हूं कि ये पहले दिन से हमने क्लियर कर दिया था कि ये कमेटी जो देगी रिपोर्ट, उसी दिन हमने स्पष्ट कर दिया था कि इससे हमें कोई उम्मीद नहीं, और जो हमने कहा था वही इन्होंने किया। और इस रिपोर्ट के बारे में मेरा इतना ही कहना था। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।